يلي ديك دو 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 شير دو شير. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आ चुके हैं एक और नई यूट्यूब वीडियो के साथ वापस। तो आज हम लोग जा रहे हैं जू साइट को घूमने, और ये है अभिषेक भाई। हेलो गाइस। और ये है भरत। हेलो गाइस। ये दोनों आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं जू को, तो चलते चलते हैं गाइस, जू को ले चलते हैं आप लोगों को। तो गाइस, अभी तो हम पहुंच चुके हैं भोटिया बैंड पे। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 2 या 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ला। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं सिमंटा हाउस के ऑफिस में। ये है उनका ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे रास्ते पे। यहाँ से जू का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। ये जो पीछे रोड दिख रही है वहीं पर जाती है सीधे जू को। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं फोटो खिंचाने के लिए। फोटो तो खिंचा के चलते हैं फिर सीधे जू को। तो गाइस, अभी हम फाइनली जू के गेट के यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये है जू का गेट। अब चलते हैं अंदर। तो गाइस, फाइनली हम जू के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये है जू का रास्ता। तो अब चलते हैं जू के अंदर ऊपर को। अब आपको दिखाते हैं बंगाल टाइगर जो नैनीताल में है, नैनीताल के जू में। आइए देखते हैं। तो अभी हम टाइगर देखने आए थे और टाइगर हमको देख के भाग गया। देखिए लायन सर, देखिए अभी सो है। तो देखो गाइस, बाघ तो आ चुका है और एक सोया है। हमको देख के भाग जा रहा है। तो गाइस, चलते हैं अभी ऊपर को, बाकी भी देखते हैं। टाइगर तो आपने देख लिया होगा, तो चलते हैं। अरे आराम से लो। तो गाइस, फाइनली अभी हम जू के अंदर हैं और शेर आपने देख लिया। अब हम चल रहे हैं और जानवरों को देखने। हेलो गाइस, तो अभी हम इतने एनिमल यहाँ देखने वाले हैं, तो चलते हैं इन सभी को देखने। Thank you.
और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भालू के यहाँ पे, तो भालू दिखाते हैं हम आपको। सो यहाँ पे ये है भालू। ए भालू घास खा रहा है। भालू आई गाइस ये जो घास खा रहा है उसे दूबा कहते हैं। तो गाइस भालू आपने देख लिया होगा, और अभी हम पहुंच चुके हैं तेंदुए के यहाँ पे। तेंदुआ दिखाते हैं हम आपको, क्यों अभिषेक भाई? यस देखिए गाइस क्या हुआ लेपट। खा नहीं पाएगा, और ये बेचारे को मस्त अपना बैठ रखा है, नजारे देख रहे हैं। तो गाइस अभी हमें लेपर्ड के यहाँ पे दो अंदर लेपर्ड है, एक तो सोया है एक घूम रहा है। सोया वाला ही है यहाँ पे बैठ रखा है बेचारा। सो अब चलते हैं ऊपर को और जानवर भी देखते हैं। तो गाइस ये हमारे गांव के बिनबाज। गाइस ये है घुरक, और देखिए कैसे घूर रहा है, और ये भाग गया। सो गाइस मैं तो थक चुका हूँ, ये भारत देख रहे हैं, अभिषेक भी आ चुका है। सो फिर यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद और कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अभी हमने लिया है एक एप्पी फ्रिज ब्रेक, अभी खाना तो लाने नहीं दिया उन्होंने, नीचे से खाना नीचे ही है हमारा, खाना बाद में ही, अभी एप्पी फ्रिज पी के काम चला रहे हैं। तो गाइस एप्पी फ्रिज वगैरह तो हमने पी ली है, अब चलते हैं और जानवर को देखें। तो हिरन यहाँ पे है, हिरन तो आपने देख ही लिया होगा। टॉप पे, यहाँ से अब रास्ता खत्म हो जाता है, आगे को एक रास्ता और भरत आगे को चले गया, हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे, तो अब हम भी चलते हैं आगे को, उसके बाद जाएंगे नीचे को, क्योंकि ऊपर तो हम पूरा आ गए हैं चले। सो गाइस ऊपर से तो गेट बंद है, अब हम जा रहे हैं नीचे को, नीचे पे दो तीन जानवर छूट गए, उनको भी देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं, चलते हैं। एक पीछे से भी आ रहा है। बारासिंगा। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बारासिंगा के यहाँ पे। बारासिंगा गाइस तो 12 के, क्योंकि तो 2 बज गए हैं, एक बढ़िया है। इसका नाम खाली रखा है बारासिंगा, बारासिंग तो है नहीं, इसके 6-7 लिख रहे हैं, तो बस नाम है ना। तो अब हम जा रहे हैं नीचे को। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं व्हाइट पैरेट देखने, जो कि यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो पंख होता है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं उसी जगह पे जहाँ से हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो अभी जा रहे हैं नीचे को। गाइस घर के यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे नए नए ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।